नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी मंत्रा में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त उपेंद्र सिंह, आप लोगों को मैं आज बात करने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश भर्ती 2020 के बारे में, जो कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती है। और यहाँ पे जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और MSc MBA और MA, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 896 पोस्टों के लिए आवेदन होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया है। वेतन जो होगा 34,800 रुपये यहाँ पे वेतन प्रोवाइड किया जाएगा आपको। अंतिम तिथि है फॉर्म को फिल करने की जो 21 जुलाई 2020। यहाँ पे जो है कैसे ऑनलाइन करना है सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे चलिए चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताते हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा करंट वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल्स सामने आप लोगों के दी हुई है। और यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर, वीडियो फिल्म संपादक, सर्वेयर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जूनियर ड्राफ्टमैन, विधि अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, नेत्र रोग अधिकारी, श्रम निरीक्षक और जूनियर प्रयोगशाला टेक्नीशियन, जूनियर गुणवत्ता जो है नियंत्रक अधिकारी, विपणन सहायक और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी अधीक्षक, शिक्षक और दूध खरीद सहायक, प्लांट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, शास्त्री और क्लर्क, नेत्र रोग अधिकारी जो है एलोपैथी, श्रम निरीक्षक। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट, यहाँ पे पोस्टों के लिए यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, भाषा शिक्षक, जूनियर कार्यालय सहायक, जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, ऐसे बहुत यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है 896 यहाँ पे रखी गई है। और जो यहाँ पे 21 टाइप के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे 22 जून से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आवेदन की जो है एप्लीकेशन फीस जो जनरल कैटेगरी के लिए 360 रुपये और अदर स्टेट के लिए 360 रुपये, जनरल या सर्विसमैन रिटायर्ड के लिए 360 रुपये, SC ST OBC BPL के लिए 120 रुपये यहाँ पे रखा गया है। और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 120 रुपये रखा गया है। और फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल जो है PDF पर और यहाँ पे बताते हैं संपूर्ण जानकारी इसकी। ये रही इसकी और वेबसाइट जो है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF और अप्लाई लिंक वहाँ से मिलेगा। आप डायरेक्टली जा करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वेबसाइट पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, www.hpssb.hp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जो है ये डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है कि आपका जो है सैलरी क्या मिलेगा और आपका पोस्ट कोड इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। आयुर्वेदा के लिए लेबर एम्प्लॉयमेंट के लिए 805 जो है यहाँ पे पोस्ट कोड है। FP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क के लिए जो है 806, FP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क के प्रोड्यूसर्स के लिए जो है 807, ऐसे करके यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट कोड दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जैसे यहाँ पे दिया है कि बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या ए लेवल कोर्स डोएक सोसाइटी या NIELT से होना चाहिए। ये ऐसे ही सभी जो है पोस्टों के लिए अलग अलग इसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी गई है। और जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए ITI मांगा गया है यहाँ पे।
और इसका जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है 10 स्टेप में होगा। यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आपको बेसिकली जो है आपका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और 10th जो है स्टेप में आपको फाइनल सबमिट है। यहाँ पे 10 स्टेप में आपको इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सरकारी मंत्रा यूट्यूब चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।